जी नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक केस जिसमें एक छोटी सी बिटिया का केस है। अभी ये बिटिया 8 साल की है और मोस्टली इस तरह के जब केसेस आते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे पास केसेस जो हैं वो लेट पहुंचते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको ये केस बात कर रहा हूँ, ए टॉपिक डर्मेटाइटिस एज वेल एज आस्थमेटिक कंडीशन, यानी सीवियर अलर्जिक टाइप ऑफ डिस्निया, जो कि डायग्नोसिस किया डॉक्टर ने कि अलर्जिक डिस्निया है, प्लस स्किन इरप्शंस। उधर डर्मेटोलॉजिस्ट ने डायग्नोसिस किया कि पेशेंट को एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो गया। एटॉपिक डर्मेटाइटिस या पुराने टाइम में हम ड्राई एक्जिमा बोल दिया करते थे, दिस इज क्वाइट कॉमन। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंगल है और मैं होम्योपैथी क्लिनिक चला रहा हूँ चंडीगढ़ में। पिछले तकरीबन 20-21 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज ये केस आपके सामने लेके आए हैं। तो दिस इज अ मल्टी फोल्ड केस एज वेल एज अलर्जिक, सीवियर अलर्जिक कंडीशन, जहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स जो हैं, IgE लेवल्स जो है, दिस वाज मोर देन 7-8 थाउजेंड। एंड केस केम डायरेक्टली फ्रॉम PGI। पेशेंट्स के PGI के डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, और PGI में दिखाने के बाद पेशेंट ने अल्टीमेटली पिंक आई सिंड्रोम, आई डॉक्टर के पास अलग से रेफर किया गया केस, और स्पेशली टू अ चेस्ट स्पेशलिस्ट, एक कंसल्टेशन चेस्ट स्पेशलिस्ट का भी लिया है, और बाद में केस को रेफर कर दिया गया डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, ऐसा बोलकर कि ये केस प्योरली एलर्जी का केस है और ये लंबी दवाई इसमें देनी पड़ेगी और कोई ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हालांकि इसकी नॉलेज के लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है पेशेंट का, तो बाद में आपको वो वीडियो भी हम शेयर करेंगे। तो पेशेंट का वीडियो जब हम देखते हैं तो इस तरह के पेशेंट्स भी हैं, तो आज ही बच्ची पूरी तरह से फिट है, तब हमने ये वीडियो बनाया है, वीडियो शेयर करेंगे आपको, इसका लिंक भी आपको शेयर करेंगे। ये बच्ची कितनी ठीक है, पहले से तकरीबन तकरीबन 70-80% जो है बच्ची के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। तो मैं बात कर रहा हूँ आज आपसे, ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है दोस्तों? वीडियो बनाने का पर्पस केवल इतना है कि आपको एटॉपिक डर्मेटाइटिस और जो अस्थमेटिक कंडीशन है या सीवियर डिस्निया की कंडीशन है, जहां पर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है, या एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम है, जहां पर कि पेशेंट की आईज की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा है, प्लस उसको आईज के अराउंड एक्जिमा भी है, माउथ के अराउंड भी उसको पूरा एक्जिमा है, सारे फोल्ड्स जो है नेक के पूरे फुल अप, पूरी तरह से फुल ब्लोन है, हाथ लगाते थे तो छिल जाता था नेक, जिस टाइम पे मेरे पास लेकर के आया केस। एंड दिस इज अ केस राइट फ्रॉम अक्टूबर 2022, एंड अक्टूबर 2022 यानी अक्टूबर 2022 से हमारे पास ये केस चल रहा है। पिछले तकरीबन तकरीबन आप ये समझिए कि 8-9 महीने, 10 महीने हो गए। 10 महीने में ये केस जो है टोटली टोटली 70-80% नॉर्मल होता जा रहा है। और मेडिसिन, जहां तक हम बात करें तो हम लोग मेडिसिन का नाम तो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बट दिस इज अ प्योर क्लासिकल होम्योपैथिक मेडिसिन। और जब हमने पेशेंट के साथ बातचीत करना शुरू किया तो शी वॉज वेरी इरिटेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, शी वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू देर हर पेरेंट्स और इवन टू मी, मतलब हम लोगों के साथ बात करना भी उसके लिए, हमें बात करना इनफैक्ट उसके लिए तो क्या टास्क होगा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता था कि शायद पेशेंट का नाम हम नहीं डिस्क्लोज करें, बट पेशेंट को नाम से बुलाते थे तो शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू अस, और बोलती भी थी तो बड़ा इरिटेट होके बोलती थी। तो जो लोग क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है वो समझ सकते हैं कि मैं किस तरह की बात आपको बता रहा हूँ। पेशेंट का बिहेवियर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, तो केस में क्या पिक्यूलैरिटीज हैं, क्या PQRS हैं, वो सारा हमने ले करके, डिटेल ले करके और पेशेंट का केस स्टडी करके मेडिसिन देना शुरू किया। पेशेंट का एग्रेशन खत्म हुआ, इरिटेबिलिटी खत्म हो गई और पेशेंट के इरप्शंस डे बाय डे बेटर होते गए। जो एलर्जिक कंडीशंस थी राइनाइटिस की, जब वो खत्म हो गई तो पेशेंट को कुछ इस तरह से हमने ड्राइंग भी करवाए और पेशेंट की ये ड्राइंग्स हैं, आप देख सकते हैं बिटिया ने किस कितने अच्छे तरीके से मेरे पास बैठ के ये ड्राइंग बनाया है, और भी कुछ ड्राइंग मेरे लिए बना के दिया है उसने, एंड आई बिकेम वेरी हैप्पी। उसने शिवलिंग बनाया है, तो यू कैन वेरी वेल अप्रिशिएट कि आज अभी लास्ट विजिट जब इस बिटिया का हुआ तो दिस वाज इन जुलाई, और तब से लेकर के अभी तक अगर हम बात करें 8-9 महीने में, तो ये बच्चे को तकरीबन तकरीबन
जो है 70-80% आराम हो चुका है एंड केस इज स्टिल गोइंग ऑन बिकॉज वी आर परस्यूइंग द केस वेरी थॉरली. हम लोग केस को बड़ी थॉरली इसको परस्यू भी कर रहे हैं और पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं. जब भी कभी उसको अचानक से कभी जरूरत पड़ती है मेडिसिन की तो हमें बीच बीच में मेडिसिन जो है इमरजेंसी केसेस में या एक्यूट प्रॉब्लम्स के लिए, फीवर के लिए या जुकाम के लिए या उसको कंजंक्टिवाइटिस हुआ था तो उसके लिए बीच में कभी भी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तो हम लोग केवल और केवल और केवल होम्योपैथिक मेडिसिन से उसको मैनेज कर रहे हैं. तो आज आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि एलर्जी से रिलेटेड, एलर्जिक प्रॉब्लम से रिलेटेड या एलर्जिक राइनाइटिस से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड कोई भी इस तरह का कोई केस हो तो आप भी अपने नियर बाय में किसी अच्छे होम्योपैथिक, क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर के पास पेशेंट को रेफर करिए या हमारे क्लिनिक में कॉन्टेक्ट करना है तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. हमारे नंबर नीचे स्क्रीन के नीचे की तरफ हमने स्क्रॉल कर दिए हैं, आप उसमें से कोई भी व्हाट्सएप नंबर लेकर के आप हमें मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.